प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, वो खत्म हो गई। नहीं, कोई सवाल उठता है कि कोई राजनीति में कोई दूरियां और कोई नजदीकियां का सवाल नहीं है। बार जो भी चुनाव होंगे बिहार में, आप देखिएगा परिणाम क्या होगा, जमानत नहीं बचेगा वहाँ। मेरा सवाल इतने आज जेडीयू में है ना और बीजेपी में है, उसमें आधे से अधिक आदरणीय लालू प्रसाद जी के ही विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जनता दल से गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी कहाँ से गए? कोई भी युद्ध के मैदान में जाते हैं, चाहे वो राजनीति का हो चाहे वो किसी खेल का, तो हर दिन जो एक सवेरा होता है वो एक नया अध्याय लिखता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, वो खत्म हो गई। नहीं, कोई सवाल उठता है कि कोई राजनीति में कोई दूरियां और कोई नजदीकियां का सवाल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जेडीयू के टिकट पर पूर्व विधायक थी, इस्तीफा देकर के आरजेडी का दामन थाम लिया है। तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं, जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल भी। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। तिवारी जी, कितनी चुनौती? कहाँ कोई चुनौती है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। रुपौली में हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन आरजेडी की प्रत्याशी हैं बीमा भारती जी के साथ, रुपौली की जनता है, इसमें कहाँ कोई मुकाबला है और कहीं कोई चुनौती नहीं है। आपके प्रत्याशी पहले तो वो जेडीयू में थे, जेडीयू से आए और आप लोग टिकट दे दिया, और आप लोग कहते हैं कि आप लोग के दल में से दूसरे दल में जाते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब उम्मीदवार हमारे पार्टी में आए और वो लोकसभा की प्रत्याशी हुई, ठीक है, परिणाम चाहे जो हुआ हो, लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट मिला है कि नहीं है आरजेडी को, तो जनता का जो विश्वास है, जनता का जो समर्थन है, जनता ने जिस मुद्दे को पसंद किया वो तेजस्वी यादव जी, उसमें जीत हुई। ये संख्या भले हमको ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन इस बार तो 9 सीटों का नुकसान तो हुआ ना एनडीए को। अब पूरे देश के हेलीकॉप्टर आए, पूरे देश के नेता आए, अकेले तेजस्वी यादव जी ने इस उपलब्धि को हासिल किया। इस बार जो भी चुनाव होंगे बिहार में, आप देखिएगा परिणाम क्या होगा, जमानत नहीं बचेगा वहाँ। मेरा सवाल है, सम्राट चौधरी बीजेपी में गए और आप लोग कहते हैं कि हमारे पाठशाला से निकले हैं, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपके पास कोई नहीं थे जिनको टिकट दिया जाता था? जेडीयू से आए कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। जितने आज जेडीयू में है ना और बीजेपी में है, उसमें आधे से अधिक आदरणीय लालू प्रसाद जी के ही विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जनता दल से गए हैं। अब उसी आदरणीय नीतीश कुमार जी कहाँ से गए हैं? नहीं, अब उसी विश्वविद्यालय में दूसरे जगह के लोगों को लाना पड़ रहा है। कहाँ किसी को लाना पड़ रहा है, वो हमारे साथ थी। फिर गई ना जेडीयू में, जेडीयू में गई, फिर आई अपने घर में। इसमें कहाँ कोई परेशानी है, वही स्वतंत्र है, लोग वहाँ देख रहे थे, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, उन्होंने देखा, उनको सम्मान मिला। तेजस्वी यादव जी ने अति पिछड़ा समाज की बेटी को पार्लियामेंट का टिकट दिया और मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ी, फिर लड़ रही है। कल नीतीश कुमार रुपौली गए थे और कह रहे थे कि सम्मान हमने दिया, हमने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, टिकट देकर चुनाव लड़वाया और बोलने नहीं आता था, हम लोगों ने सिखाया। अब देखिए, अब ये तो अति हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबको पता है कि वहाँ पर किसको सम्मान मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो अब तो खुद जेडीयू में रहते हुए बीमा भारती जी ने सारी बातों को कहा। ये सम्मान जो है, ये राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने जो दिया है वो देख रहे हैं आप। एमपी में हमने टिकट दिया, इसके बाद फिर जब वो सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें भी उनको दिया गया टिकट। नहीं, पर लोग कह रहे हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि बीमा भारती को हराया गया है। बीमा भारती, तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप इनको नहीं वोट दे करके उनको वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। लोगों ने देखिए, सवाल है, जब हम कोई भी युद्ध के मैदान में जाते हैं, चाहे वो राजनीति का हो चाहे वो किसी खेल का हो, तो हर दिन जो एक सवेरा होता है वो एक नया अध्याय लिखता है। जो घटनाक्रम हो गए उससे बहस करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन
जो रुपौली का आज उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में जाकर देखिए जनता का मूड और मिजाज क्या कह रहा है। इसलिए हर निश्चित नहीं है कि कल हम अगर आज दोहरा शतक लगाए तो कल भी दोहरा शतक लगाएंगे, कल जीरो पर भी आउट हो सकते हैं। तो ये जनता भ्रमित हुई, जनता ने ठीक है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन जनता के दिलों को जीतने का काम किया हमारे उम्मीदवार ने। तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में, बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद का किरण है, आशा का किरण है, भविष्य है। सब लोगों को पता है आज लगातार तेजस्वी यादव जी डबल इंजन की सरकार को आईना दिखा रहे हैं, जो एक भ्रष्टाचार और एक अपराध की ओर है। और जो लोग जंगल राज और तरह तरह के राग अलापते थे, कैसेट बजाते थे, आज वो चुप हैं। आंकड़ा दे दिया जा रहा है, डेली प्रतिदिन पुल गिर रहे हैं, गोली मारा जा रहा है। उस पर भी आएंगे। हमारा सवाल है महागठबंधन के बिहार में कितने सांसद हैं? भाई महागठबंधन के हमारे हैं कितने? 9 सांसद। 9 सांसद। पप्पू यादव आप लोगों के साथ हैं कि नहीं है? तो उन्होंने खुद ही कहा है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, उन्होंने यहाँ कहा है सार्वजनिक रूप से, वो तो थे ही, यहाँ से ही गए हैं, वो तो अभी भी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, तो वो तो इसमें कहाँ कोई लोगों के साथ हैं, आरजेडी के साथ है पप्पू यादव? अरे भाई हम कह रहे हैं ये बात तो उन्होंने खुद ही कह दिया ना। हाँ। अब ये तो वो ना बताएंगे, हमारी हमारी पार्टी का तो उन्होंने सदस्यता नहीं लिया है। हाँ। इन भाई अब जिस विचारधारा के साथ वो है, हाँ, वो इंडिया गठबंधन का विचारधारा है। हाँ। तो है आप लोगों के साथ है, फिर आप दूसरा चीज पूछ रहे हैं। हम कर जब वो खुद ही कह रहे हैं तो इसमें अब कहाँ कंफ्यूजन है? पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब वोट हो रहा था तो तेजस्वी यादव गए थे पूर्णिया और कह रहे थे, फिर हमने कहा जो इंडिया को दीजिए नहीं तो इंडिया को दीजिए, फिर पप्पू यादव को आप लोग अपने साथ कैसे? ये तो देखिए ये बनाया गया, उन्होंने कहा था कि जो नहीं दे रहे हैं, बात को घुमा दिया गया, तिल का ताड़ बना दिया गया। तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में पूरे एनडीए गठबंधन के लिए सब लोग जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कितना कैंप हुआ, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री जी आए, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री आए, इसके बाद भी एक 35 साल का नौजवान ने जो प्रदर्शन किया वो जनता के दिलों पर राज करते हैं, जनता का दिल उन्होंने जीता। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, वो खत्म हो गई। नहीं, कोई सवाल उठता है कि कोई राजनीति में कोई दूरियां और कोई नजदीकियां का सवाल नहीं है। सवाल है तेजस्वी यादव जी ने जिस मुद्दे को छेड़ा है, जो मुद्दा वो बिहार हित में उठा रहे हैं, जो बिहार के लिए वो काम कर रहे हैं, जो सोच रख रहे हैं, नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, ये बिहार जहां आप देख ही रहे हैं कीर्तिमान स्थापित हो रहा है पुल गिरने का। दूरियां खत्म हुई कि नहीं भाई? दूरियां नजदीकियां, हमने कहा राजनीति में दूरियां और नजदीकियां का कोई मतलब नहीं रहता है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है और उस विचारों पर जो हमारे साथ जो हमारे साथ आते हैं उस विचारों में वो हमारे साथ हमारे विचारों का। अभी भी देखिए इंडिया गठबंधन में इतने सारे दल हैं, एनडीए में इतने सारे दल हैं, अब अपने अपने विचारों से सहमत हैं वो सब हैं। चलिए विधानसभा में पप्पू यादव आप लोगों के साथ रहेंगे या फिर से अलग से चुनाव? वो क्या करेंगे ये तो उनका विषय है, आप लोग लीजिए। हमारा विषय है हम बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए तेजस्वी यादव जी लगातार काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम करें किनको साथ रखना है, किनको जनता साथ है और तेजस्वी यादव जी जनता के लिए हैं, जनता तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद भरोसा करती है, आशीर्वाद देती है, बाकी चीज़ों का फैसला पार्टी नेतृत्व ये सड़क चलते हुए बोल देने से किसी का नहीं होता है, बाकी चीज़ों का फैसला पार्टी नेतृत्व करता है। चलिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।